एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पिछली वीडियोस का रीकैप है। आज आप बनारस की वीडियो में सुबह की गंगा आरती से शुरू करते हैं। ये डे टू में हमने सुबह 5 बजे गंगा आरती में शामिल होने का मौका मिला। आप देख सकते हैं गंगा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। सुबह आपको अलग ही सुकून देखने को मिलता है। आपने मेरी पिछली वीडियो में अलकनंदा क्रूज से रात की गंगा आरती देखी होगी। आप सुबह गंगा आरती का आनंद उठा सकते हैं। पहले गंगा माँ को धूप दिखाई जाती है, फिर आरती की तैयारी की जाती है। आप पूरी वीडियो में आरती का आनंद ले सकते हैं। सुबह ज्यादा आपको भीड़ भी नहीं देखने को मिलती है, तो आप आराम से आनंद ले सकते हैं। ये गंगा आरती का पूरा नजारा है। धूप देने के बाद आरती की जाती है और ये माहौल बहुत ही डिवाइन होता है। गंगा आरती के बाद यहाँ पर हवन भी हो रहा था घाट पर ही, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। आप जब यहाँ पर गंगा आरती देखने आए, उसके बाद आप सनराइज देख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाया है आप सबके लिए, ताकि आप भी मेरे साथ सनराइज देख सकें। सुबह घाट की एकदम सुकून भरी शांति और सूरज देवता को नमन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फिर तुलसी घाट के लिए जब जाते हैं, तो आपको यहाँ अखाड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि लोग अखाड़े में किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी तैयार की जा रही है अखाड़े के लिए, और उनके सारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। घाट में ही सबसे बड़ा आनंद आता है, ऊपर से घाट का पूरा आनंद लेना। ये देखिए कैसे बीन वाला घाट किनारे बैठा हुआ है। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आराम से आके ऊपर से पूरा नज़ारे का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग पिजेरियन कैफे गए। पिजेरिया कैफे इंडिया का फर्स्ट पिजेरिया कैफे है, तो आप जब भी आए, या आपको दशमेश घाट के पास ही एकदम मिलता है, यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हैं। यहाँ एक ओवन होता है जहाँ पर पिज्ज़ा तैयार किया जाता है। अभी यहाँ पे एप्पल पाई तैयार की जा रही है। आधुनिक तरीके से एप्पल पाई तैयार की जा रही है। ये एप्पल पाई है जो हमने ट्राई करी, और ये पास्ता है जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो आप जब भी आए तो ये ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ हमारा बनारस का ट्रिप एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।